सभी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 7। पार्ट 6 हो चुके हैं, इसमें यूनिट 6 छठी इकाई है, 5 इकाई अपन पढ़ चुके हैं। छठी इकाई है जिसका नाम है समाजीकरण। समाजीकरण पार्ट 7 है, यूनिट 6 है। आप इसको अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। एग्ज़ाम आपके बिल्कुल समक्ष हैं, सामने हैं, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। क्वेश्चन इन यूनिट्स में से ही बनेगा, आप अच्छी तरह से याद कर ले और बहुत सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन समाजीकरण से बन सकता है। देखिए मित्रों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपका एक ही काम है, इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं अपने चैनल का, क्योंकि यही वास्तव में अगले वर्ष सेकेंड ईयर में एसटी सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे आप लोगों के लिए। तो अपने मित्रों को बताएँ आप लोग और उनको भी ये चीज़ें बताएँ ताकि उनका भी जो आने वाले एग्जाम में उनको भी फायदा हो सके। समाजीकरण से क्या मतलब है, देखो है ना, समाज में रहना ना, समाजीकरण। वाटसन ने कहा है समाजीकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। इसको इस पूरी जो इसकी वाटसन के अनुसार जो परिभाषा दी उसको याद रख लेना, एक परिभाषा जरूर देना इसमें वाटसन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू वाटसन समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यानी कि समाजीकरण क्या है, एक समाज की यानी समाज की और मनोविज्ञान इसकी प्रक्रिया, दोनों की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, ऐसा वाटसन ने बताया। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है। देखो समाजीकरण कौन सी प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, समूह का, समाज है ना, समाज एक समूह होता है, समूह का क्रियात्मक सदस्य बनता है ना, ये क्रिएटिव है ना, ऐसा सदस्य जो क्रियात्मक सदस्य है, निष्क्रिय नहीं है, क्रियात्मक सदस्य है, तथा उसी के अनुसार कार्य करते हुए उसके लोकाचार, उसकी परंपराओं तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। मेन इम्पोर्टेंट चीज, समाज में रहते हुए है ना, समाज लोकाचार, इस जिस समाज में वो रह रहा है वहाँ के लोकाचार, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के सामाजिक परिस्थितियों के साथ वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, समन्वय स्थापित करता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि समाजीकरण समाज एवं संस्कृति के विश्वासों, मूल्यों, प्रतिमानों, सामाजिक भूमिकाओं के सीखने की एक प्रक्रिया है। तो सब सार रूप में कुछ पॉइंट्स निकल सकते हैं कि सीखने की यह क्या है, समाजीकरण एक सीखने की सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इससे बच्चा समाज का क्रियाशील सदस्य रहता है ना, क्रियात्मक सदस्य रहता है और ये सतत प्रक्रिया है। अपनी संस्कृति एवं मूल्यों के अनुरूप सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है ना, बालक क्या करता है, अपनी संस्कृति और मूल्यों के अनुसार सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना, ये अपन खजाना लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस का, इनमें से ही क्वेश्चन आना है, तो आप अच्छी तरह से इसको समझ ले, रटने की आवश्यकता नहीं है। और देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सारे अपन सिलेबस के सारे पॉइंट्स को अपन टच कर रहे हैं, समाजीकरण के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बाल्यकालीन परिस्थितियों की बात करें, बचपन में बाल्यकालीन परिस्थिति में तो माता पिता के प्रेम का अभाव यदि है तो समाजीकरण प्रभावित होगा, यानी कि बालक को अपने माता पिता का प्रेम प्यार मिलनी चाहिए, उसका अभाव नहीं होना चाहिए। कलह होता है परिवार में, लड़ाई झगड़े होते हैं तो भी आपका समाजीकरण सही नहीं हो पाएगा। विधवा है, विधवाओं की संतानें हैं,
है, पक्षपात किया जाता है बच्चों में, एकाधिकरण आदि, ये सब बाल्यकालीन परिस्थितियां ऐसी है जिसमें समाजीकरण प्रभावित होता है। सांस्कृतिक परिस्थितियां, संस्कृत विरोधी तत्व, अपनी संस्कृति विरोधी तत्व, धर्म वर्ग जाति से संबंधित धारणाएं है ना, ये भी प्रभावित करती है समाजीकरण को। तत्कालीन परिस्थितियां, निराशा, अपमान, अन्याय, अनियमितता, कठोरता है ना, ये भी प्रभावित करती है समाजीकरण। अगला क्वेश्चन यदि अपन विचार करें और वो टिप्पणी लिखने का आ सकता है, लालन पालन पर टिप्पणी, ये सब आप जानते हैं, समझते भी हैं, लालन पालन क्या होता है, सहकारिता क्या होता है, सहानुभूति क्या होता है, बस अपने को लेखनीबद्ध करना है उसको समझ करके। लालन पालन क्या है भाई? जन्म के बाद शिशु के देखभाल एवं आवश्यकता अनुसार उसको समझना, उसकी पूर्ति करना कि बालक को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए या ऐसी कोई बुक्स चाहिए है ना, उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जन्म के बाद शिशु के देखभाल एवं आवश्यकता अनुसार उसको समझना, उसकी पूर्ति करना, सफल सामाजिक जीवन की अनिवार्यता यही है। क्या है? उचित लालन पालन, अंडरलाइन कर लीजिए, उचित लालन पालन ही सामाजिक जीवन की अनिवार्यता है, उसी में बच्चे का अच्छा विकास होता है। सहकारिता है ना, शिशु अपने पारिवारिक वातावरण से सहकारिता का पाठ पढ़ता है, परिवार का वातावरण से कोऑर्डिनेशन का ना सहकारिता का पाठ पढ़ता है, आसपास की चीज़ों का अनुसरण करता है। सहानुभूति, सहानुभूति सफल सामाजिक व्यवहार में सहायक होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, समाजीकरण के प्रकार बताइए भाई। प्राथमिक समाजीकरण, सुनियोजित समाजीकरण, प्राकृतिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? बच्चे के जन्म के बाद से ही ये प्रक्रिया प्राथमिक समाजीकरण शुरू हो जाता है। और भी इसमें लिख सकते हो भाई, प्राथमिक समाजीकरण में क्या क्या होता है। सुनियोजित समाजीकरण यह पूर्व नियोजित है, इसमें माता पिता एवं समाज अपने तौर तरीकों रीति रिवाज बच्चों को सिखाता है। पूर्व नियोजित होता है कि बच्चों को ऐसे बोलना सिखाना है, ऐसे संस्कार देने हैं, ऐसे उनको समझाना है, ऐसे विद्यालय में पढ़ाना है, पूर्व नियोजित ये समाजीकरण। प्राथमिक में यह होता है बच्चा जन्म के बाद अपने आप जो सीखता है। प्राकृतिक समाजीकरण, बच्चा प्रकृति में रहकर स्वयं का विकास स्वयं ही करता हो तो ऐसा प्राकृतिक समाजीकरण कहलाएगा। अगला समाजीकरण का महत्व लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाजीकरण का इंपॉर्टेंस महत्व लिखो। समाजीकरण का व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। समाजीकरण से ही व्यक्ति सामाजिक व्यवहार, धारणाएं, मूल्य, विचार आदि ग्रहण करता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है। इसी प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि में समाजीकरण द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समाजीकरण की संस्थाएं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। राजनीतिक संस्थाएं, यदि तानाशाही सरकार होगी है ना, राजनीति संबंधित गवर्नमेंट कैसी होगी, देश में कैसा माहौल होगा, यदि तानाशाही सरकार होगी तो व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना का अभाव होगा, सुरक्षित कम महसूस करेगा बालक, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व के विकास में ये बाधक होगा। धार्मिक संस्थाएं, धर्म का प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। धर्म व्यक्ति में गुणों को पनपाते हैं, पनपाने में सहयोग करते हैं, सहायक होते हैं। आर्थिक संस्थाएं, व्यक्ति के व्यवसाय का प्रभाव उसके विचार, आचार और मनोभाव एवं क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, समाजीकरण में टीचर का क्या रोल रहेगा, बच्चे को समाजीकरण करने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका है। परिवार के बाद स्कूल है ना, परिवार के जस्ट बाद विद्यालय का रोल आ जाता है, विशेष रूप से शिक्षक का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक सुसंस्कृत होगा, शिक्षकों का जो शिक्षा है वो अच्छी होगी तो बालक का समाजीकरण सामान्य रूप से होगा। शिक्षक के स्नेह का, पक्षपात का, दंड का आदि का भी समाजीकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, शिक्षक यदि स्नेह से बच्चों को रखेगा तो उसका समाजीकरण सामान्य रूप से होगा, अच्छा होगा, सामाजिक विकास उत्तम और विकृत होता है ना, शिक्षक के
शिक्षक का यदि अच्छा व्यवहार है तो उत्तम होगा, वरना वरना विकृत हो जाएगा उसका समाजीकरण की प्रक्रिया। तनिक सी बातों पर यदि टीचर दंड दे रहा है तो समाजीकरण में संकीर्णता आ जाएगी, है ना। सहानुभूति रख रहा है तो समाजीकरण सामान्य रूप से होगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, है ना। विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों के बचपन के हालात, बच्चों के ऐसे कौन से हालात होते हैं, कहाँ कहाँ रहने लग जाते हैं बच्चे, विभिन्न परिस्थितियाँ होती है। जैसे अनाथालय, अनाथालय का नाम सुना होगा, अनाथ सब जिसके माता पिता नहीं हो, है ना, उस उन बच्चों को जिस घर में रखा जाता है वो अनाथालय एक समाज के द्वारा बनाया हुआ एक घर होता है। इसमें अनाथ बालक रहते हैं जिसके माता पिता नहीं है और इनका बचपन बचपना ममता रहित होता है, स्नेह रहित होता है, हैं। ये बच्चे अभावग्रस्त होते हैं, फुटपाथों पर बचपन, एक बचपन आपको एक तो अनाथालय में बचपन मिलेगा, एक फुटपाथों पर मिलेगा, ऐसा ऐसी जगह फुटपाथ छोड़ के जो शहर हैं, गांव हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर और इसके अंदर ये फुटपाथों पर कुछ बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं, भीख मांग के खाते हैं, है ना। तो वो फुटपाथों पर बचपन आप देख सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी में ऐसे बच्चे, ऐसे माता पिता के बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हैं, ये फिर धीरे धीरे चोरी चकोरी करने लग जाते हैं, अब दिन में अपना काम करते हैं इस तरीके से। कामकाजी बच्चे यानी बाल श्रमिक जो किसी दुकानों पर इस पे जिनकी गरीबी हालत है, वो बच्चे, वो माता पिता अपने बच्चों को किसी दुकान पर थड़ी पर लगा देते हैं, बाल श्रमिक, है ना, ये इसमें सुसंस्कृत नहीं हो पाते हैं, संस्कृति का अभाव होता है, नशाखोरी, हैं, शराब पीने लग जाते हैं, गंदी आदतों के शिकार पड़ जाते हैं, क्योंकि इन बालकों को सही शिक्षा दीक्षा संस्कृति सुसंस्कृत नहीं मिल पाती है। तो ये टॉपिक अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने मित्रों को इस वीडियो को पहुंचाएं, है ना। ये आपका ये समाजीकरण का टॉपिक समाप्त होता है। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, अपने मित्रों को भी बताइए। आगे फिर वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।